नमस्कार और आदाब। सनीचर मार्च के 23 तारीख द्रियंत्रे तक मार्च के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। 47 साल सैफ रफीक अहियार का एक फुटहांगर गिलबर्ट बोरलैदर। गिलबर्ट बोरलैदर पिछले हफ्ता सुबह के रात में एक मोटरगाड़ी हादसा से इनका देहांत हुआ है। मार्टिन लूथर किंग वेग में, यह है टुकम्स वेग के आसपास में। अब तक के पुलिस के ये खबर से ये पता चला है कि ये आदमी जो है गिलबर्ट बोरलैदर, ये फुटहांगर था और ये मार्टिन लूथर किंग वेग वहाँ से गुजर रहा था। ये रास्ता पार करने की कोशिश किए है और रास्ता पार करते वक्त एक नोवा बुश जिसका बस्तुदर था आएल द्रियंतन दहियार का, जाकर इनसे टकराया है। ये आदमी बुरी तरह से घायल हुए है और वहीं पर इनका देहांत हो गया है। ये फुटहांगर जो है इसके देहांत हो जाने से फरकेश बारों में इधर 18 पर आकर पहुंच गए है। ये 18 द फरकेश 2 द इस साल के वास्ते नोवा बुश का जो बस्तुदर है इसका रेब वेस जो है पुलिस खोजबीन के दौरान कब्जे में ले लिए है। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि एक नया बस्तूर और एक देकन चुना जाएगा सुरीनाम से और फन अफोकातन के वास्ते। इसी सिलसिले में यफरकी सिंह के वास्ते 3 लोगों ने अपने आप को कैंडिडेट ठहराए थे। वो था इस वक्त का जो देकन है हरीश मनोरथ, इसके अलावा बनी टोपिक और अब भी ये सुनने में आया है कि समंता गजराज। बाद में यह खबर आई है कि समंता गजराज भी अपने आप को कैंडिडेट ठहराए है देकन के वास्ते। ये चुनाव जो है आज सनीचर मार्च के 23 तारीख तियातर यूनिक में हुआ है और इसमें जो देकन इस वक्त का देकन हरीश मनोरथ जो है ये कुछ फैसला लिए थे और शुरुआत से शिवचरण जो है अथवकात शिवचरण जो है मनोरथ के हर फरकीस बार स्टेलिंग से, यानी कि वो एक बार फिर अपने आप को कैंडिडेट ठहराएंगे इस चुनाव के वास्ते, इससे सहमत नहीं थे। वैसे ये फरकी सिंह कॉमेसी का जॉन मुराहू जो है ये तय किए, ये फैसला लिए है कि मनोरथ ये हिस्सा ले सकते हैं, चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, अपने आप को कैंडिडेट ठहरा सकते हैं। इस बात से शिवचरण और कुछ और वकील, कुछ और अदवोकात खुश नहीं थे। ये सब कोर्ट फरिंग रेख्तर के पास गए हैं मुकदमा चलाने के लिए और मुकदमा इसलिए था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि, और ये भी कहते थे कि ये नहीं हो सकता है कि मनोरथ तीसरी मतवा देकन बने और दफन अथवकात का सुरीनाम से और दफन अथवकात का। और दूसरा बात ये था कि कुछ वकील कुछ अथवकातन को इजाज़त नहीं था वोट करने के लिए, और वो इसलिए क्योंकि ये सब कॉन्ट्रीब्यूसी का पैसा कितने दिनों से नहीं भरे है। इसी सिलसिले में ये मुकदमा चलाया गया ये कोर्ट खदिंग और पिछले सुख को कोर्ट खदिंग रहकर ये फैसला सुनाए है कि मनोरथ जो है ये अपने आप को कैंडिडेट नहीं ठहरा सकते हैं, ये इसको पीछे हटना है, ये अब हिस्सा नहीं ले सकते इस चुनाव में देकन के वास्ते सुरीनाम से और दफन अथवकात के लिए। और ये भी फैसला जज ने सुनाए है कि मनोरथ जो फैसला लिए थे कि जो लेदन है अथवकात फरेन हिंग का, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूसी नहीं भरे है उन लोगों को मना था फरकी सिंह में हिस्सा लेने को यानी वोट करने के लिए, और ये भी अब नहीं है। मतलब ये है कि रेख्तर ने कौन खदिंग रेख्तर ने तय किया है कि हर एक जो वकील है ये सब वोट कर सकते हैं, ये सब ये चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे हम आपको ये बताने के बाद भी है कि समंता गजराज जो है ये हरीश मनोरथ के पत्नी है, अपने साथी ज़िंदगी में ये किंडर रेख्ता एक्टिविस्ट है और मतलब ये है कि बच्चों के हक के लिए वो काम करते हैं। और दूसरा कैंडिडेट जो बनी टोपिक है, इनको 12 साल से तजुर्बा है वकालत में, ये अथवकात है, 12 साल से शिवचरण अथवकात इनके पास काम करते हैं और ये भी लेते हैं बस्तूश लेते हैं पोलिटिकल पार्टी PRO का। ये खबर के रिकॉर्डिंग तक, ये प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग तक अभी फैसला नहीं पता है कि किसने ये फरकी सिंह जीते हैं, नया बस्तूर में कौन लोग बैठक लेंगे, कौन से लोग चुने गए हैं, और ये खबर हम आपको अगले हफ्ता सनीचर को देंगे।
42 ब्यूरोज जो है ब्यूरो फॉर बर्गर साग का देश भर में, इसमें से सिर्फ 14 ब्यूरोज के पास प्रोग्राम है जहां पर ई आईडी कार्ड बनाया जा सकता है। ये ई आईडी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड सिस्टम जो है, यह डाटाबेस जो है सिर्फ 14 बेफेबी कंतोर के पास ये सिर्फ मौजूद है। ब्यूरो फॉर बर्गर साग के ब्यूरो दफ्तरों में सिर्फ 14 के पास ये प्रोग्राम मौजूद है जहां पर आप जाकर ये नया आईडी कार्ड बना सकते हैं। 18 तारीख मार्च से हर एक जिनको आईडी कार्ड बनवाना है, जिनका उम्र हो गया है आईडी कार्ड बनाने के लिए, आप सब लोग जा सकते हैं आईडी कार्ड, नया ई आईडी कार्ड बनाने के वास्ते। मिनिस्ट्री फन बेनलॉन्ग से साकन और सेंट्रल ब्यूरो फॉर बर्गर साग सीबीबी ये दोनों ये ऐलान किए हैं कि जितना जल्द हो सके इस पर काम हो रहा है कि सभी बेफेबी ब्यूरो फॉर बर्गर साग के दफ्तर में ये खास प्रोग्राम जो है, ये डाटाबेस जो है रखा जाए ताकि हर एक दफ्तर में आप जा सकते हैं ये नया ई आईडी कार्ड बनाने के वास्ते। सूरीनाम से बंकीर फरेनहिंग जो है एक पर्श बरेख में ये ऐलान किए है कि अब अगर आप जाएंगे, ये है 19 तारीख मार्च से, पिछले हफ्ता 19 तारीख मार्च से बंक के पास अगर आप जाएंगे एसआरडीस पैसा स्टोर करने के वास्ते, वहाँ पर जमा करने के लिए या पैसा निकालने के लिए, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरना पड़ेगा, कोई कॉस्ट आपको नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा बेशतर होता था लेकिन अब ये अब निकाल दिया गया है, आपको कोई कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा। यूरोस और यूएस डॉलर्स के वास्ते एक फशुपलिंग आई है, अभी तक पाबंदी है कुछ रेखों से, लेकिन अब पहले जो था 3000 यूरो या 3000 यूएस डॉलर अगर आप जाते बैंक के पास जमा करने के लिए या निकालने के लिए स्टोरिंग या लिफ्टिंग के वास्ते, तो इसके लिए तमाम ज़रूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए था और ये भी आपको बताना चाहिए था कि यह पैसा आपके पास कहां से आए है। सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम ये अब तय किए है कि अगर 5000 या 5000 से ज़्यादा यूएस डॉलर या यूरोस आप जाए बैंक में जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए या इसे लिख करने के लिए, निकालने के लिए पैसा, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि यह पैसा आपके पास कहां से आए हैं। अगर 5000 से ज्यादा से कम यानी यूरोस या डॉलर्स आप जाएंगे वहां पर ऐसी किसी ट्रांसैक्शन के वास्ते, तो ये बताने के जरूरी नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्टोरिंग कॉस्ट जो है एसआरडीस के वास्ते अब निकाल दिया गया है, आपको कोई स्टोरिंग कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा अगर ऐसा डेज आप जाएंगे बैंक में जमा करने के लिए या बैंक से निकालने के लिए। 19 मिलियन यूरो जो हॉलैंड में अप्रैल महीना में 2018 में कब्जा में लिया गया है, इसी सिलसिले में नया गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का रॉबर्ट ग्रे फन ट्रिक ये जितना जल्द हो सके हल लाना चाहते हैं। ये अनेक सेक्टर में इम्पोर्टर्स जो है जो सिर्फ यूएस डॉलर से इम्पोर्ट करते हैं, इन लोगों को यूएस डॉलर्स होना इन लोगों के पास ज़रूरी है अगर लोग सामान विदेश से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आप वो लोग यूएस डॉलर्स में पैसा भर सकते हैं। ये सब काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं ये इम्पोर्टर्स, क्योंकि लगभग एक साल से बहुत से ऐसे इम्पोर्टर्स जो है सामान इम्पोर्ट नहीं किए हैं। इसी हफ्ता आने वाले हफ्ता जो है नया गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का कुछ टॉप लोगों के साथ, एक टॉप डील खासी के साथ हॉलैंड जाने वाले हैं, वहां पर ये 19 मिलियन यूरो के बारे में बातचीत करने के वास्ते, बहुत ज़रूरी है बातचीत करके ये मामला हल करने के वास्ते, वो ये मामला जितना जल्द हो सके हल करना चाहते हैं। मंगर को पुलिस को एक खबर मिला है कि एक लाश मिला है एक स्कॉट फरवॉन्डिंग के साथ, मतलब इस पर गोली चलाया गया है, और ये लाश मिला है एक गाड़ी में क्लाइनस्त्रात में ये लाश मिला है। खोजबीन से यह पता चला है कि लाश जो है जगदीश प्रेमचरण का है, इनका बेटा जो है जगदीश प्रेमचरण का। ये बताते हैं कि सुबह लगभग 11:30 बजे इनका पिता का फ़ोन इन्हें आए है कि इनका अगवा हो गया है, लोग इनको किडनैप किया है और इसके लिए उन्हें पैसा भरना है 10,000 यूएस डॉलर, एक बॉरक्सॉम या लॉस हेल्थ भरना है, इनाम लोग चाहते हैं जो लोग इनके अगवा किए हैं, ये सब 10,000 यूएस डॉलर चाहते हैं। ये पैसा खोमपट स्त्रात में कहीं पर लाकर देना था।
बेटा बताते हैं कि इनका पिता, इन्हें पता है कि इनका पिता उस दिन पहले गए थे बैंक के पास पैसा निकालने के लिए, पैसा लेने के लिए वो बैंक गए थे। उसके बाद कुछ देर बाद जब ये फ़ोन आए कि इनको लॉस हेल देना है $10,000 का, उसके बाद पुलिस का फ़ोन इन्हें आए है कि इनका पिता का लाश गाड़ी में मिला है, प्रेमचरण का लाश इनकी गाड़ी एक इसुसु डी मैक्स में मिला है क्लाइनर स्ट्रात में। पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है। मिनिस्ट्री फॉर हैंडल एंड इंडस्ट्री और टूरिज्म जो है, ये सब एक इम्पोर्ट फरबोत रखने वाले हैं स्टीरोफोम के वास्ते। इन मई से, मई की पहली तारीख इसी साल से स्टीरोफोम इम्पोर्ट करना ये बिल्कुल मना रहेगा। ये हम बात करते हैं फोम बकियस के बारे में, इसे आप बेहतर जानते हैं। फोम बकियस जिसमें आप खाना खरीदते हैं वारूम में या रेस्टोरेंट में, या ये कॉफ़ी क्यूब्स जो है जिसमें आप कॉफ़ी पीते हैं इसे ज़्यादा देर तक गर्म रखने के लिए, ये फोम क्यूब्स जो है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और भी हम बात करते हैं पिप्स होम के बारे में जो भी ये स्टीरोफोम से बनाया गया है। ये इम्पोर्ट करना अब बिल्कुल मना है, इन मई से इम्पोर्ट करना मना है। जिसके पास अभी तक ये फोम के सामान है वो बेच सकते हैं, और जो लोग शायद ये ऑर्डर कर चुके हैं, बस सेलिंग दे चुके हैं और बस सेलिंग सूरीनाम देश पहुंच रहा है, इन लोगों को मौका है नवंबर के पहली तारीख से पहले आपको ये तमाम जो सामान है बेच देना चाहिए, क्योंकि इन नवंबर 2019 से फोन का इस्तेमाल करना, बेचना ये सब मना है या मना रहेगा। मेरे सेरी ये ऐलान कर चुके हैं। तो जो लोग इसे इम्पोर्टेयर करते हैं या प्रोविजेंट जो है, आप लोगों को इस पर गौर करना है। 6 महीने का मोहरत आपको दी जाती है आपके पास जो फोन के सामान है या आप इसे ऑर्डर किए हैं, 6 महीने का मोहरत आपको दी जाती है इसे बेचने को या इसे इस्तेमाल करने को। होली पर्व इस साल 2019 में सूरीनाम देश में बीते हुए 20 को और इससे कुछ दिन पहले भी बहुत ही समारोह के साथ, धूमधाम के साथ सूरीनाम देश में इस साल मनाया गया है। अनेक जगह पर बहुत से ऐसे अक्तिफितैतन था, लोग जश्न मनाए हैं। लेकिन अफसोस के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि होली के दिन रात्रि के समय एक भयानक हादसा हुआ है लैडिंग सरहे 9 पर। 2 लोगों का देहांत इसी हादसा में हो गया है। रणधीर जगन 17 साल का और सूरज रामोतार 34 साल का, 2 लोगों का देहांत एक हादसा में हुआ है। यह होली के दिन रात में हुआ है लैरिंग नेह आपर। दोनों लाशों जो है ओपन बार मिनिस्टेरी ने कब्जे में ले लिए हैं खोजबीन के वास्ते। रोवी ये जो मोदरगाड़ी में भी मौजूद था 27 साल का एक दूसरा आदमी, ये बुरी तरह से घायल हुए हैं, इनको लोग इंटेंसिव केयर पर रखे हैं इलाज के वास्ते। अब तक के खोजबीन से पुलिस ये खबर दिए है कि मुमकिन रामोतार जो 24 साल का जित 34 साल का फिरंदर तक कयार का सूरज रामोतार ये मोदरगाड़ी हाँक रहा था, मुमकिन ये बस्तूर था। और रामोतार और जगन का लाश जो है ये दोनों गाड़ी से बाहर फेंका गया है, ये सड़क पर आकर गिरा है, एक सड़क पर और एक नली में जाकर गिर गया है और पूरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ये सोच रही है, ये खोजबीन से पुलिस को पता चला है कि मुमकिन ये गाड़ी इतना तेजी से चलाया गया है कि ये 2 या 3 बार गाड़ी उलट गया है और इसी दौरान लाश जो है बाहर जाकर गिर गया है दोनों लोगों का। रोबी ये जो है ये मोटरगाड़ी में अभी तक रहा, जो इस वक्त इंटेंसिव केयर में इसका इलाज चल रहा है, ये गाड़ी में रह गया, ये दब गया था और ब्रंथवेयर आकर इनको इसमें से निकाले है। हो सकता है कि लोग इतने तेजी से गाड़ी चला रहे थे, इतने तेजी से गाड़ी हाँक रहे थे कि कंट्रोल खो दिए है, गाड़ी उलट गया है, जाकर एक फ्रख्त वाहन से टकराया है जो वहाँ एक सुपरमार्केट के आगे पार्क किया गया था। और ये फ्रख्त वाहन से टकराने के बाद
ये हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों का देहांत हो गया है और ये मार्च महीना हमें दिए है 19वीं और 20वीं वर्गेश्वर इस साल के वास्ते। ये 2019 में तीसरा महीना है मार्च महीना और 20 लोगों का देहांत यातायात में हो चुका है, ये बहुत अफसोस के बात है। यहाँ तक आज के लिए 7 दिन हम आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, जो लोग यातायात फिरकेर में हिस्सा लेते हैं, आप गाड़ी हाँकते हैं, ब्रॉम फिक्सर फिक्सर या आप फुट हांगर है, जो भी है आप सावधान रहिए, अच्छी तरह से देखिए, संभाल के मोटर गाड़ी हाँकिए और संभाल के भी आप यातायात में हिस्सा लीजिए। ऐसे में आपका भी और दूसरे का भलाई होगा, फ़ायदा होगा, आप लोग ऐसे हादसे से बच सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।